पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश के साथ एक बार फिर मारपीट की गई है। स्वामी अग्निवेश से बीजेपी कार्यालय के बाहर मारपीट की गई। आरोप है कि मारपीट करने वाले बीजेपी समर्थक थे जिन्होंने उनकी पगड़ी भी उतार दी। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्वामी अग्निवेश को भीड़ से बाहर निकाला। स्वामी अग्निवेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब वो बीजेपी मुख्यालय के गेट के करीब पहुंचे तभी भीड़ ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। स्वामी अग्निवेश के मुताबिक वो बीजेपी मुख्यालय के दूसरे गेट पर पहुंचे लेकिन वहां भी भीड़ पहुंच गई और उन पर हमला किया गया। स्वामी अग्निवेश पर इससे पहले हाल ही में झारखंड के पाकुड़ में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। शब्द अभी भी मेरे कानों में पड़े जो शायद आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी ना बोलते तो अच्छा होता। क्या वाजपेयी जी के वक्त की भारतीय जनता पार्टी और अब की भारतीय जनता पार्टी बदल गई है? तब के नेता और अब के नेता बदल गए? देखिए कि बदलाव तो आता रहता है लेकिन वाजपेयी जी से यदि सचमुच में प्रेरणा लेनी है तो हम एक मौखिक या ऐसी श्रद्धांजलि न दें दिखावे की, ईमानदार श्रद्धांजलि दें और उससे उनकी वो जो विरासत है कि हमारे मन में कटुता किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, किसी मजहब का मानने वाला, किसी संप्रदाय का, किसी और पार्टी का हो, लेकिन सबको साथ लेकर के सभी के साथ प्रीतिपूर्वक हमें आगे बढ़ना है। ये जो उनकी विरासत है वो आज हमारे सबके लिए आज की खास परिस्थिति में, और ख़ास करके मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं उनको ये संकल्प अपने दिल में जगाना चाहिए। तो चलिए, ये कटुता भी हमारे दिलों से अगर हम अपने छोड़ दें जो आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं अपने यहाँ वाजपेयी जी के कदमों में, तो यही सब जानते हैं कि अगर वो कटुता भी उन्हीं चरणों में छोड़ के आ जाएं और कुछ नया लेकर दिल से निकलें तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। रफीक के साथ रमन ममगाई, गो न्यूज़, दिल्ली।